और ये बड़ी खबर, तुर्की में 24 घंटे में भूकंप का चौथा बड़ा झटका आया है। तुर्की और सीरिया में अब तक 4,300 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। आज सुबह एक बार फिर भूकंप आया, 7.5 और 6 की तीव्रता के भूकंप के झटके लगे हैं। भारत समेत दुनिया भर से मदद भेजी जा रही है तुर्की में। तुर्की और सीरिया में भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। मरने वालों की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है और अकेले तुर्की में ही 2,500 से ज्यादा की मौत हो गई है। 3,500 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए हैं। भारत की तरफ से एनडीआरएफ की 50 टीमें रवाना की गई हैं। राहत सामग्री के साथ इन टीमों को भेजा गया है। तो आज एक बार फिर सुबह तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये चौथा झटका है भूकंप का पिछले 24 घंटे में। 7.5 की तीव्रता का भूकंप था ये। आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया भर ने तुर्की की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। तुर्की और सीरिया में जिस तरह से भूकंप ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है, उसके बाद दुनिया भर से राहत और बचाव के काम में तुर्की को मदद की जा रही है, उनको राहत सामग्री भेजी जा रही है और भारत ने भी राहत सामग्री तुर्की भेजी है। भारत की तरफ से एनडीआरएफ की 50 टीमों को रवाना किया गया है राहत सामग्री के साथ।